हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राधिका देवासी बनी रेवदर प्रधान, बीजेपी के पक्ष में पड़े 14 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी ने दिया बीजेपी को समर्थन। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव घमासान होने के बाद जब कुर्सी की टक्कर चालू हुई, इस बाजी में बीजेपी आगे रही। रेवदर प्रधान बनने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी ताकत लगा दी थी, मगर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत होने से रेवदर प्रधान की कुर्सी कायम रखी। बीजेपी से प्रधान पद की उम्मीदवार राधिका कुमारी देवासी ने आवेदन पत्र दिया और कांग्रेस की तरफ से दानू देवी चौधरी ने आवेदन पत्र किया, मगर बीजेपी ने अपना किला कायम रखा और राधिका कुमारी देवासी प्रधान बनी। बीजेपी के पक्ष में 14 गिरे, वहीं कांग्रेस के दानू देवी के पक्ष में 7 गिरे। नागाणी गांव बाटी मिठाई। जब राधिका कुमारी देवासी प्रधान बनने की घोषणा हुई, पूरे गांव में लोगों ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी। राधिका कुमारी देवासी का पीआर नागाणी में है, जन्म और पढ़ाई नागाणी हुआ और नागाणी के लोगों का खुशी मनाई। बड़े नेता रहे मौजूद। चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला और अपने अपने कैंडिडेट को अपने हिसाब से रखा और प्रधान बीजेपी का बनाकर जीत हासिल की। क्रॉस वोटिंग के डर से दोनों पार्टी ने चुनाव खत्म होते ही अलग अलग जिले और राज्यों में भेजे गए और मतगणना के बाद हारे हुए उम्मीदवारों को घर भेजे गए और जीते हुए उम्मीदवारों को अलग जगह रखा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ ग्रहण करवाया दोनों पार्टियों ने और शपथ ग्रहण करवा के वापस अपने अपने कैंडिडेट को होटलों में भेजा गया और शाम 4 बजे वोटिंग के समय पूरी सुरक्षा और बाड़े बंदी के साथ मतदान करवा के वापस भेजे गए। बीजेपी के नेता रहे मौजूद। रेवदर विधायक जगसी राम कोहली, रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल और बड़े नेता रहे मौजूद। वहीं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष भवानी सिंह भटाना, रेवदर ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह देवड़ा आदि मौजूद थे। जागरूक टीवी की नगाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।